बजट में अपने विभाग के लिए किए गए प्रावधान पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने खुशी जाहिर की। उनसे बात की संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। भूपेश, सरकार के बजट में किस विभाग को कितना मिला ये जानने की कोशिश करने के लिए हमने अलग अलग मंत्रियों से बात की। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आपके विभाग को जो इस बजट में अलॉटमेंट हुआ है उससे आप खुश हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय निकाय के लिए जो बजट प्रावधान किए हैं वो बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है, और अभी तक के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह का प्रावधान नगरीय निकाय में होना चाहिए उस तरह का प्रावधान पहली बार आज नगर निकाय को में बजट में दिख रहा है। निश्चित रूप से हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं के योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो सकेगा। इसके अलावा हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय हैं उनको पौनी पसारी योजना के तहत हम पूरे प्रदेश के जो 166 नगर निकाय उन सभी नगर निकाय में प्रारंभ करेंगे, और इसके अलावा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जो सरकारी सुविधाएं हैं जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं 100 से अधिक सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है उसको घर पहुंच सेवा के तहत प्रदान किया जाएगा। ये बहुत सारी योजनाएं हमारे नगर निकाय में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नगर निकाय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जो बता रहे थे कि क्या कुछ उनके विभाग को मिला। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। इंदौर में बटेश्वर हनुमान धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव